गुजरात को अपने आखिरी लीग मैच में आरसीबी से हार झेलनी पड़ी। हालांकि टीम पहले ही 20 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, मगर टीम की जीत की लय डगमगा गई है। इस मैच में गुजरात के एक बल्लेबाज मैथ्यू वेड भी काफी चर्चाओं में आए हैं। उनकी ये चर्चाएं उनके किसी रिकॉर्ड को लेकर नहीं बल्कि उनकी एक घटिया हरकत की वजह से है। दरअसल 12 बॉल पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बना चुके वेड 13वीं बॉल पर चकमा खा गए। उनके खिलाफ LBW की जोरदार अपील हुई, अंपायर ने उन्हें आउट भी दिया, लेकिन वेड ने DRS की मांग की। थर्ड अंपायर ने भी बल्ले और बॉल का कनेक्शन देखा, लगा वेड नॉट आउट करार दिए जाएंगे, लेकिन जब थर्ड अंपायर ने अल्ट्रा एज देखा तो उसमें कोई हलचल नहीं दिखी और अंपायर को उनका फैसला बरकरार रखने को कहा गया। इसके बाद आग बबूला हुए वेड ड्रेसिंग रूम की ओर जाते हुए लाल पीले दिख रहे थे। वहां उन्होंने पहले अपना हेलमेट जोर से फेंका और फिर बल्ले से इधर उधर मारने लगे। ये सब कैमरे में कैद हो गया। मैच खत्म होने के बाद मैच रेफरी के सामने उनको पेश किया गया, जहां उन्होंने अपनी गलती मान ली। IPL कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ये लेवल 1 का अपराध था और वेड को फटकार लगाकर छोड़ दिया गया।